संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने फीता काटकर किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया। श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया था। विकास भवन प्रांगण में कुल 12 स्टॉल लगाए गए हैं। श्रम एवं सेवा योजन व स्किल डेवलपमेंट कार्यालय द्वारा विभागीय जानकारी उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे आम लोगों सहित युवाजन को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। NRLM द्वारा विभिन्न प्रकार के हैंडमेड बैग, धूप बत्ती, हल्दी, मसाला, चना, बेसन, उलेन वस्त्र, डूडा द्वारा समूह के उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री, खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के जूट मैट, रेडीमेड गारमेंट, ट्रैक सूट, लोअर तथा कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को लाभपरक जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योग विभाग द्वारा ODOP के अंतर्गत टेराकोटा स्टॉल लगाया गया है। इस बारे में मुख्य अतिथि बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन लखनऊ स्तर पर होता था, किंतु इस वर्ष प्रदेश के सभी जनपदों में उक्त आयोजन भव्यता के साथ आयोजित किए गए हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक जगत, खासकर लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का कार्य के साथ सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत युवाओं को स्वावलंबी एवं रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया तथा स्टॉलों पर जाकर जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही साथ खरीदारी का भी लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी डूडा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, मनोज कुमार गुप्ता, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा, आप लोग बताओ सर, पादरी बाजार एकदम अच्छा ये है। अभी मौसम सर 1 लाख की बिक्री किया है। अच्छा, जल्दी आपका बनाया हुआ है जी सर। हम लोग खेत से ला के उबाल के महिलाएं हम लोग खेती भी कर रहे हैं, उत्पादक समूह द्वारा खेती भी कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? तिरंग बालिक लाग सर, और 15 महिलाएं हम लोग हैं। शहरी समूह सर, खादी ग्रामोद्योग PMEGT योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जा रही नहीं, जो वाली बना रहे हैं की जा रही है। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा, भैया थोड़ा पीछे पीछे आइए। अभी पहले जो जिला विकास अधिकारी श्री राजमणि वर्मा जी, DDA एग्रीकल्चर साहब हैं सर। प्रदेश सरकार 2018 से UP दिवस मनाती चली आ रही है, उसी क्रम में आज उसी अनुसार हम लोगों ने स्टॉल यहाँ लगवाए हैं। जनपद में बहुत इस तरह के स्टॉल हैं, बहुत लोग काम करते हैं, किंतु हम लोग स्टॉल प्रदर्शनी के तौर पर इतना लगाए हैं। इधर के लोग हैं, कौशल विकास के हैं, उनको सबको हम चाहेंगे कि आपके हाथों से केशव शर्मा जी का चेक है। बुधराम जी आ जाए, बुधराम पुत्र सतनाम, ये
बताई गई एनआरएलएम की डीसी सचिव दी जाती है। ये विजेता निशान खासी पन्नेलाल परिजी आक्रोश से भागशाली है और काजल सेकंड पहली स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। धन्यवाद। अरे एक मिनट। देखिए उत्तर प्रदेश दिवस की मंशा यही थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हम पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में होता था ये प्रदेश दिवस, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अब इसको मनाया जा रहा है। और इसके मनाने का उद्देश्य इतना है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो पैदावार हो रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगी है या यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे नर्सिंग की बात कर लें, चाहे जूट की बात कर लें, चाहे लोकल मिलेट्स की बात कर लें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों के लिए मिल रहा है जो अपने उत्पाद को पूरे शहर में इसको बता सकते हैं सही प्लेटफॉर्म पर, और उचित मूल्य भी मिल सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए। आज के इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि पूरे शहर में आपके मार्फत कि ये लोगों में जागरूक होना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज गोरखपुर में 3 दिवसीय ये उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। जो गोरखपुर में जो भी विकसित टेराकोटा है, जैसे मैंने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब लोग यहाँ पर आए, देखें और इसका लाभ उठाएं।